Hi, my name is Krip Kapoor Suri and you're watching E-Times. Thank you. First of all, thank you so much यहाँ पे आने के लिए और हमें कवर करने के लिए. ये लाइन मैं हमेशा ही बोलूँगा सबके लिए क्योंकि इट्स सो डिफिकल्ट यू नो टू टेक आउट टाइम नाउ डेज व्हेन यू गाइस आर बिजी. थैंक यू सो मच. एंड रही बात हमारे शो की जिसका नाम बागिन है, ये एक फाइनाइट सीरीज़ है जो कि चंद महीनों के लिए स्टार भारत पर ऑलरेडी आई थिंक ऑन ईयर हो चुकी है, बट अतरंगी पे 8th of Feb से मंडे टू फ्राइडे सबको देखने को मिलेगी. और टॉकिंग अबाउट माय कैरेक्टर जिसका नाम है अग्नि. अब अग्नि नाम से आप समझ सकते हैं कि आदमी कितना पागल होगा, आग बबूला रहता होगा हमेशा एंड वेरी एग्रेसिव ऑल द टाइम. ही इज़ द मेन कल्प्रेट, इज़ द मेन नेगेटिव, यू कैन से दैट. एक नेगेटिव किरदार है पूरे शो में जिसके बहुत सारे शेड्स हैं. उसकी जर्नी है 20 साल पहले से, यंग एज से किस तरह वो एक जर्नी बढ़ती है और आगे चलकर किस तरह बागिन के को, बेसिकली बागिन को अप एंड डाउन जो परेशान करने वाला इंसान है वो अग्नि है. वो छोड़ता नहीं है उसका ही जस्ट वॉन्ट्स टू किल बागिन बागिन बागिन. दैट्स इट. सी बॉन्डिंग, पहली बात तो सबसे पहले तो बॉन्डिंग आपकी हमेशा शो के साथ होनी बहुत ज़रूरी है, अपने किरदार के साथ होनी बहुत ज़रूरी है. उस किरदार को प्ले करते करते आपके साथ जो और भी किरदार जुड़ते हैं डेफिनेटली, अगर उनके साथ एक कहते हैं एक माइनर सी एक माइन्यूट सी एक बॉन्डिंग होनी बहुत वहाँ तक होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्क्रीन पे कैमरा सब कुछ पकड़ लेता है. अगर बॉन्डिंग नहीं आप क्रिएट करोगे ना तो फिर वो फेक दिखता है. हाँ, कुछ शो के दौरान कुछ ऐसे एक्टर्स थे जिनके साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग रही, उनमें से एक यहीं बैठा हुआ है ज़ीशान, तो ये इनमें से एक ये है. देन देयर आर अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो, रोमांच भाई ऑफ कोर्स, इकबाल भाई क्योंकि वो बड़े भाई बने हुए थे मेरे, तो वो एक वो भाई वाला कहते ना, वो बॉन्डिंग क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है. मेरा ये मानना है कि अगर आप रियल लाइफ के अंदर भी अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं कोई किरदार या कोई एक रिलेशन निभा रहे हैं तो वो तभी रियल लाइफ में अच्छा दिखेगा, ऑन स्क्रीन अच्छा दिखेगा, अगर आप रियल में भी आप ऑफ स्क्रीन भी वैसे ही बॉन्डिंग क्रिएट कर पाते हैं. अगर वो नहीं क्रिएट कर पाएंगे विद योर ऑरा, विद योर बिहेवियर, विद योर मैनरिज्म, तो मुझे नहीं लगता फिर वो क्रिज्मैटिक यू नो चीज़ें निकल कर आएंगी जिसमें मज़ा आएगा लोगों को देखकर. तो वो जितना रियलिस्टिक आप ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन रहते हैं उतना रियलिस्टिक आपका ऑन स्क्रीन भी बन जाता है. कोई बॉन्डिंग क्रिएट करे ना करे लेकिन आपका फ़र्ज बनता है कि आपको वो बॉन्डिंग क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है. सी आई थिंक एक्सपेक्टेशंस तो सबकी वही होती है जब कोई भी इंसान एक शो बनाता है एक ऐसी लाइन के ऊपर, एक ऐसे कॉन्टेंट के ऊपर जो कि फैंटेसी होता है, जो हट के होता है. जो नॉर्मल शोज़ हमारे टीवी पर हमको देखने को मिलते हैं उन टीवी शो से जो लाइक सास बहू, हर इंसान बोलता है कि सास बहू. ऑफकोर्स वो एक कहते हैं कि वो शोज़ इसलिए ज़्यादातर हिट रहते हैं क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जितने भी हाउस वाइफ्स हैं जब वो शो देखती हैं, कहते हैं ना कि एक औरत सब पे भारी. यहाँ तो बहुत सारी औरतें हैं ना, हाउस वाइफ्स हैं हमारी अगर हम जाते हैं, तो वो उनके लिए शोज़ बनते हैं तो इसलिए वो शो हिट हो जाते हैं. लेकिन ये एक शोज़ कुछ ऐसे होते हैं, इस पर इट्स लाइक एक्सपेरिमेंट, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है. नागिन जब आया था किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना हिट हो जाएगा, लेकिन ये नागिन के ट्रैक पर शो नहीं है. पहली बार नागिन एक अलग स्टोरी लाइन थी. यहाँ पर कोई इच्छाधारी नागिन नहीं है, इच्छाधारी बागिन नहीं है, इट्स अ डिफरेंट ऑल टुगेदर. हाँ, जब हमने ये शो की शुरुआत करी, आई एम डैम श्योर चाहे वो मैं हूँ चाहे वो ज़ीशान है, सबकी एक्सपेक्टेशंस वही रही हैं कि ये शो भी बेंचमार्क क्रिएट करे. बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो आई रियली होप एंड आई रियली 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 होप कि ये शो एक अपना कहते ना ठप्पा लगा कर जाए हर इंसान के दिमाग में और दिल में कि एक शो आया था. क्रिटिकली हो या फिर ऑडियंस की तरफ से प्यार हो, वो मिलना चाहिए, वो हर एक्टर को हर किरदार को मिलना चाहिए क्योंकि सबने बहुत मेहनत करी है. ये शो कुछ 4 महीने के अंदर हमारा प्लान था कि शूट ख़त्म हम लोग कर लेंगे, बट कुछ जो भी चीज़ें हुई जिसकी वजह से हम सबने 8-9 महीने हम लोगों ने उस किरदार को मेंटेन किया. मेरी बात करो तो मुझे 1 साल मैंने वो लंबे बाल, आई वाज हैविंग लॉन्ग हेयर लाइक दिस,
सो वो मैंने मेंटेन रखे, मतलब इसी तरह बाकी सब किरदार एक्टर्स थे उन्होंने भी अपने अपने किरदार को मेंटेन रखा। तो बहुत मेहनत करी सबने, बहुत पेशेंटली मैं बहुत पेशेंटली सबने बहुत मेहनत करी है। अभी तो सब लोग फैंस बनने शुरू होंगे आई एम श्योर, प्रोमो देख के तो सबको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि हमें भी प्रोमो बहुत अच्छा लगा और हमें तो लगेगा क्योंकि हमारी बेबी है, हमारा बच्चा है, हमने एक साल जिया है इसको, हमने बहुत मेहनत करके काम किया है हम सब ने, तो डेफिनेटली हमारे लिए तो बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रोमो आया था वो प्रोमो से ही ऑडियंस काफ़ी हद तक जुड़ गई है, और जितनी भी ऑडियंस जुड़ी है और जितनी नहीं भी जुड़ी उन सबसे यही दरख्वास्त है, यही प्रार्थना है मेरी कि प्लीज़ डू वॉच, इट इज़ समथिंग न्यू टू वॉच एंड you guys gonna love it, you will definitely will get thrill while watching because it has lot of action, it has love, it has romance, it has nafrat hai is show ke andar aur kehte hain wo bhi hai kya kehte hain usko matlab bahut kuch hai mera kehne ka matlab yaar, I am excited you can say that, so please do watch and give your give a love to our show, thank you।